नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान पुलिस पेपर 2020 जिसके लिए हम पार्ट सी कर रहे थे, और पार्ट सी में हम कर रहे थे जो विभागीय वेबसाइट है उस पर डाले गए नोट्स है उस पर आधारित क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें मेरे द्वारा कुछ एक क्वेश्चन बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। और हम 1 से 20 तक के क्वेश्चन है वो कर चुके थे पिछले वीडियो में, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार आया, आप लोगों में बहुत सारे कमेंट आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो रिस्पॉन्स है वो देखने का। और उसी की कड़ी में मेरे द्वारा आगे का प्रयास किया जा रहा है, प्रश्न संख्या 21 से 40 तक डाले जा रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई कमी महसूस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपके विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। प्रश्न हम करते हैं 21 नंबर प्रश्न, और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा में पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उसी से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा? देखो, सीधे से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आप तो इस प्रश्न में ये कहा गया है कि कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत पति और पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, और पति और पत्नी अलग होने के बाद में अगर पत्नी की बिना सहमति के उसे शारीरिक संबंध बनाता है वो, तो वो बलात्कार माना जाएगा। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत ये कहा गया है? तो दोस्तों, ये धारा आप इन सभी धाराओं को आप पढ़ोगे अच्छे से। हमने कल धारा 376 भी पढ़ी थी, धारा हमने 376A, धारा 376B हमने नहीं पढ़ी थी, तो आज हम धारा 376B पढ़ते हैं। तो इसमें सही आंसर होता है धारा 376B। धारा 376 में क्या होता है? बलात्कार से संबंधित है। धारा 376 किससे संबंधित है? बलात्कार से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ और बलात्कार से। ये हमने कल पता किया था। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर अपना 22। क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लग रहे होंगे, पर ये क्वेश्चन याद करने में एकदम ईजी है, बस इनको समझना है आपको। अगर आप इनको एक बार समझ गए तो ये आपको क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे, और धाराएं ज्यादा नहीं है, लिमिटेड धाराएं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल कर्मचारी होते हुए ऐसी स्त्री जो उनकी अभिरक्षा में हो, अधीन हो या परिसर में स्थित हो, उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना किसके अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों देखिए, दोस्तों कोई भी लोक सेवक है, चाहे कोई अधिकारी है या जेल रिमांड है, जेल है या कोई रिमांड होम है, या आप अभिरक्षा में ले रखा है किसी को, या अस्पताल का कर्मचारी है, यानी कोई भी ऐसा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी किसी प्रकार का कोई कर्मचारी या लोक सेवक, अगर उसके द्वारा कोई स्त्री अभिरक्षा में, यानी वहां कोई काम कर रही है या उसके अधीन में है या उस परिसर के अंदर है, और उस स्त्री के साथ अगर वो यौन अपराध करता है, तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो वो दोस्तों धारा 376C के अंतर्गत आते हैं। द आंसर इसमें अपना सही होगा, धारा 376C। क्वेश्चन नंबर अपना 23 नंबर क्वेश्चन, देखो धारा 300B में हमने क्या किया था, ये हमने अभी यहां पे किया था। धारा 300B 376B में हमने क्या किया था? ये हमने पढ़ा कि कोई पति और पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, और उसकी बिना सहमति के उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। 376 में ये था, 376B में, 376 में तो बलात्कार से संबंधित है ही। 376C में क्या था कि कोई भी लोक सेवक अगर उसके परिसर के अधीन है, वो आती है उसके साथ, अगर वो इस प्रकार स्थापित करता है तो वो अपराध उससे संबंधित है। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, देखो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम वर्ष की स्त्री के साथ बलात्कार से संबंधित है? देखो, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार है, उससे 12 वर्ष से कम से संबंधित कौन सी है? 12 वर्ष से संबंधित कम से संबंधित है सही आंसर धारा 376A B, धारा 376A B। तो सही आंसर अपना इसमें क्या है? सही है। दंड प्रक्रिया सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का वर्णन है? देखो, दंड प्रक्रिया की संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार?
तो ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ ये वाला वाक्य आपको ध्यान रखना है, सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार चाहे एक आदमी करे चाहे एक से अधिक व्यक्ति करे, सामूहिक बलात्कार है, उनका वर्णन कौन सी धारा में है? तो ये है धारा 376 डी, ये ध्यान रख लीजिएगा, इसमें द आंसर सही होगा धारा 376 डी, इसके अंदर ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर अपना 25, 25 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1976 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार का उल्लेख है? देखो धारा 376 बी थी, ए बी थी, इसके अंदर क्या था, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार था, क्या था, केवल बलात्कार था, ठीक है, बलात्कार केवल बलात्कार से संबंधित थी, 12 वर्ष से कम आयु की, पर यहां पे बात हो रहा है सामूहिक बलात्कार, दोनों में अंतर है, ये सामूहिक बलात्कार शब्द जुड़ा हुआ है, तो यही अंतर आपको ध्यान रखना है, यही धाराएं आपको वहां पे जाके कंफ्यूज करेगी, तो इन कंफ्यूजन को आपको निकाल देना है। तो इसमें सही आंसर है वो अपना हो जाएगा द, धारा 376 डी, वैसे बी, धारा 376 डी बी, ठीक है, वैसे धारा 376 डी किसके लिए है, सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, ठीक है, धारा 376 डी किसके लिए है, सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा सामूहिक बलात्कार, ठीक है, धारा 376 किसके लिए है, ये बलात्कार के लिए है, धारा 376 किसके लिए है, बलात्कार के लिए, धारा 376 डी किसके लिए है, सामूहिक बलात्कार के लिए, ये थोड़ा सा अंतर है तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने देखा 26 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन वस्तु ये ऑप्शन इसका दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए इसमें तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाय आंसर धारा 376 डी ए, क्या हो जाएगा इसमें, धारा 376 डी ए हो जाएगा। अब देखो यार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपको रट लेने, अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं रटे जाते हैं तो इनको मैं वन लाइनर क्वेश्चन बना के दे दूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हो, धाराओं को एक साथ सम्मिलित करते हुए मैं आपको लाके दे दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं करना कुछ भी, पार्ट बी के जो 5 नंबर है ना वो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ये पार्ट सी के जो 5 नंबर है ये आपको 100% मिल जाएंगे। चलिए इसमें से धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार के लिए, धारा 376 डी ए ये है 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, और धारा 376 डी बी ये क्या है, ये है 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो 18 साल की महिला, तो 18 वर्ष की तो महिला ही हो गई एक तरह से, तो उसके लिए तो ये हो गया एक तरह से, और उससे नीचे वालों के लिए 16 साल और 12 साल इनके लिए ये हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनकी डेफिनेशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 27 नंबर क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किसी महिला आरोपी को किसी महिला कांस्टेबल के द्वारा किस समय में ही गिरफ्तार किया जा सकता है? देखो इस क्वेश्चन को लिखने में मैं गलत लिख चुका होगा या समझने में नहीं आ रहा होगा, देखो सीधी सी बात यह है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, उसके अनुसार कोई भी महिला है उसको महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार करेगी, साथ में किस समय के अनुसार, समय में ही कर सकती थी, तो सुबह के 6 बजे के बाद में और रात के 9 बजे से पहले, सुबह के 7 बजे बाद या रात के 9 बजे पहले, सुबह के 6 बजे बाद और शाम के 6 बजे पहले, तो ये आंसर सही होगा कि देखो महिला को शाम के जो 6 बज गए और सुबह के 6 बजे हैं उसे उस दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी शाम के 6 बजे बाद और सुबह के 6 बजे पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कब किया जा सकता है? सुबह के 6 बजे के बाद और शाम के 6 बजने से पहले, ये आंसर अपना सही आंसर होगा स। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की कौन सी धाराओं से संबंधित नहीं है? अब देखो भारतीय साक्ष्य, देखो ये वापस यहां ऊपर लाइन पढ़ लेना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है, किस अधिनियम की बात हो रही है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, और इसकी धारा कौन सी की बात हो रही है? धारा 53A की बात हो रही है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, धारा 53A की, ठीक है, धारा 53A में कौन कौन सी धाराएं हैं, तो धारा 53A है, तो उसमें देखो सारी ये वाली धारा नहीं है, यानी इसमें से कौन सी नहीं है, 509 नहीं है, बाकी देखो 354 है, 354 कैक है और ग है, इसके अलावा 376 ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी है, डी ए और डी पी है,
और 376 ई भी है, बाकी सारी तो है, बाकी इसमें 509 है वो नहीं है। तो 509 नहीं होगी तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, इसमें से बयानसर नहीं होगा। तो और इसमें है क्या ये बता देता हूँ, धारा 353 ए, इन धाराओं के अंतर्गत जो सारी धाराएं हैं, ये सारी धाराएं लिखी हुई, इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध करने के प्रयत्न के लिए सम्मति का विवाद है, यानी सहमति का विवाद है, वहां पीड़ित के आचरण या ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लिखित अनुभव का साक्ष्य देने की सहमति या सहमति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको ज्यादा समस्या ही नहीं होगी, आप उसको भी आप पढ़ के आसानी से आप इनको तैयार कर सकते हैं। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 ए, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की कौन सी धाराओं से संबंधित नहीं है। अब देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी बात कर रहे हैं हम, धारा 114 ए की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन किससे संबंधित नहीं है, तो दोस्तों ये संबंधित नहीं है 354 ए और 354 बी से संबंधित नहीं है। बाकी देखो 376 की जितनी भी धाराएं हैं, 376 की धारा जितनी भी है, 376 है ए बी सी डी ई तक, यहाँ तक की सारी धाराएं हैं वो इसके ऊपर लागू होती है, किसके ऊपर लागू होती है, धारा 114 ए के ऊपर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 ए के अंतर्गत लागू होती है। ये तो ध्यान रखना भाई, इसमें होता क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 ए के संबंध में तथ्य सुसंगत है। अब देखो एक इसमें से तथ्य है वो सुसंगत नहीं है, बाकी सारे तथ्य हैं वो क्या है, सुसंगत है। चलो पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता का की धाराएं 376, 376 ए, 376 बी, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई से संबंधित है। बिल्कुल 314 ए ये इनसे संबंधित है, ये पहला सत्र सही है। धाराओं के अधीन किसी अभियोजन, इसी नहीं है ये, किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है। देखो ये धाराएं हैं, इन धाराओं में आपको पता है 376 धाराएं किसे बलात्कार से संबंधित है, और अगर इन धाराओं के अंदर अभियोजन में कोई भी अभियुक्त द्वारा अगर मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न ये उठता है कि स्त्री जिसके बारे में ये अभिकथन है, उस स्त्री के बारे में ये कहा गया है कि उसे बलात्संग किया गया है, मतलब उसके साथ जबरदस्ती की गई है सम्मति के बिना, बिना किसी सहमति के, ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ऐसी स्त्री, इसी से आगे पढ़ रहा हूं मैं, ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष ये कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी, अगर वो महिला ये कहती है कि उसने किसी प्रकार कोई सहमति नहीं दी, वहां न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी, उसमें ये कहेगा कि उसने सहमति नहीं दी, सम्मति नहीं दी है, ये ध्यान रख लीजिएगा, सम्मति है, सहमति तो ये टाइपिंग से हो गया, सम्मति नहीं दी ये धारणा करेगा, यानी ये सारे कथन है, तीनों ही कथन सही है। तो ये धारा 114 ए है, इसको अच्छे से याद कर लेना, और नहीं करते हो तो यार चलता है कई बार, इतना थोड़ा बहुत तो माइनर तो चलता है कई बार क्वेश्चन, अगर वैसे आने की संभावनाएं भी रहती है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैं आपको लेके आऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वो भी आप करना। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, यार भाई क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जो पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने प्यार दिया था, कमेंट किए थे, लाइक किए थे, उस तरह इस वीडियो को भी आप करना ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करके क्वेश्चन बना सकूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 बी, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की किन धाराओं से संबंधित नहीं है। देखो पहले हम बात करें थे धारा 114 ए की, अब हम बात कर रहे हैं धारा 114 बी की, ये ध्यान रख लेना। धारा ए किन से संबंधित थी, धारा ए संबंधित थी 376 से, 376 वाली धाराओं से संबंधित थी, तो यहाँ पे कौन सी धारा किससे संबंधित नहीं है, इन्हीं से संबंधित नहीं होगी, बाकी देखो 354 से संबंधित है, 354 से संबंधित है और 509 से भी संबंधित है, ये भी ध्यान रख लेना, 354 और 509 से ये संबंधित है। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज में आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था पूरा, तो मैंने इसको लिया है। चलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 बी से संबंधित कथन सुसंगत नहीं है। अब सुसंगत कौन सा नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 बी, भारतीय दंड संहिता की 18
साठ की 45 की धाराएं, 354 ये धाराएं हैं, आपको इन्हें पढ़ो, से संबंधित है, बिल्कुल एकदम संबंधित है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर की धाराओं की बात हो रही है। देखो इन धाराओं के अधीन, ऊपर वाली धाराओं के अधीन किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है ऊपर वाली धाराओं में, और यदि पीड़ित न्यायालय के समक्ष ये कथन करती है कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, तो ध्यान रख लेना ये ऊपर वाली धाराएं किस किस चीज से है, ये ऊपर वाली धाराएं यौन उत्पीड़न से संबंधित है, उसकी लज्जा भंग हुई है तो लज्जा भंग से संबंधित है। कल हमने किए थे ना, कल पार्ट 1 से 20 तक, तो आपको याद होगी सारी धाराएं किस किस में क्या काम आ रही है। अथवा उसके कपड़े उतारे गए नग्न करने से संबंधित मैंने कल बताई थी, ठीक है, या उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया है, अथवा किन्हीं साधनों के द्वारा यौन उत्पीड़ित की गई है, तो ये इससे बिल्कुल ये साक्ष्य से संबंधित है इसमें, तो ये आंसर सही है। वहां न्यायालय ने जब तक ये विपरीत साबित ना हो तब तक ये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित नहीं किया गया है। चौथा ऑप्शन पढ़ना, वहां न्यायालय जब तक ये विपरीत साबित ना हो सके तब तक ये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है, यानी ये साबित करना होगा उस आदमी को। जब तक वो आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि ये उसके द्वारा कारित नहीं किया गया है, तब तक न्यायालय उसको यही मानेगा कि ये अपराध उस व्यक्ति के द्वारा कारित किया गया है, तो ये आंसर उपधारणा कर सकेगा। द आंसर इसमें सही है, मतलब इसमें अपना आंसर कौन सा होगा, स आंसर, यानी ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही संगत है, तो सुसंगत कौन सा नहीं है, स आंसर सही नहीं है। अब 33 नंबर क्वेश्चन, अब आइए दहेज वाले क्वेश्चन है, तो यार दहेज वाले क्वेश्चन तो रट लेना, आना है इसमें से तो 100% आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है, तो दहेज वाले तो रट ही लेना सारे क्वेश्चन। दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधित अधिनियम 1986, ये भी पूछा जा सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को कब संशोधित किया गया, तो संशोधित अधिनियम कौन सा है, 1986, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि धारा 2 के अंतर्गत, कौन सी किसकी धारा के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं, धारा 2 के अंतर्गत किसकी धारा, दहेज निषेध अधिनियम की के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेने देने में सहयोग करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। देखो दहेज ले रहे हो, दे रहे हो या इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हो, तो उसमें कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष, तो दोस्तों इसमें है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान। ऊपर वाला इक्वेशन है, बस इसमें यही है कि साथ में ये जोड़ दिया कि इसमें जो लेना देना है उसमें दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं और सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसमें 5 वर्ष की सजा तो है ही, उसके साथ साथ कितना जुर्माना भी प्रावधान है, ठीक है, तो कितने जुर्माने का प्रावधान है, तो सही आंसर है 5 वर्ष वह 500 रुपये, 5 वर्ष या 1000 रुपये, 5 वर्ष या 15000 रुपये, 5 वर्ष वह 50000 रुपये, तो दोस्तों सही आंसर है 5 वर्ष वह 15000 रुपये, ये दोनों है, तो जुर्माना कितना है 15000 रुपये, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई इसको राजस्थान पुलिस की जो नोट्स वाली है उसमें नोट्स में इसको क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, उसने बोल्ड कर रखा है, तो भाई बोल्ड कर रखा है इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। वधु के माता पिता या अभियोजनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर सजा दी जाती है। अब देखो यहाँ पे दहेज ले नहीं रहे, सिर्फ मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, तो दहेज वधु के माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुद मांग लो या किसी के द्वारा मांग लो, परोक्ष तो वही माना, रूप से दहेज की मांग करने पर कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है या कितने माह की सजा दी जा सकती है, तो यहाँ पे है देखो, तो सही आंसर भाई इसमें जाए 6 माह की सजा या 5000 रुपये का जुर्माना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, दहेज लेने देने व दहेज लेने देने के लिए उकसाने पर या तो 6 माह का कारावास या 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। देखो दहेज लेने देने या दहेज लेने देने के लिए उकसाने पर 6 माह का कारावास था और 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, जिसको क्या कर दिया, संशोधित कर दिया, और संशोधित अधिनियम द्वारा इन सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 माह कर दिया और साथ में अधिकतम कितने वर्ष कर दिया गया, तो दोस्तों अधिकतम है कितने वर्ष किया गया, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष, तो सही आंसर है दोस्तों इसमें से 10 वर्ष, दह आंसर इसमें सही होगा। और यार देखो ये क्वेश्चन आप करते हो ना मेरे साथ करने से पहले, आप जो नोट्स है उनको पढ़ लो एक बार, उनको नोट्स को पढ़ोगे तो आपकी थोड़ी तो हवा लगने लग जाएगी इन क्वेश्चनों की, और जब आपके थोड़ी थोड़ी क्वेश्चनों की हवा लगने लग जाएगी तो आप
इस वीडियो को पॉज करके उसका आंसर बताया करो, तो उससे क्या होता है यार, मोटिवेट बढ़ते हैं, आपको खुद को लगता है यार मैंने इतने क्वेश्चन याद कर लिए। ठीक है, तो देखो वही क्वेश्चन है, बस उसमें जुर्माना की बात हो गई, तो जुर्माना है वो कितना दे सकते हैं। तो देखो जुर्माना देना पड़ेगा 10,000 रुपये। जुर्माना कितना बढ़ा दिया, पहले 5,000 था, 5,000 रुपये को जुर्माना को बढ़ाकर कर दिया 10,000, साथ में जो संपत्ति मांगी गई है या दी गई है या दोनों में से जो भी अधिक वो दी जा सकती, तो बी आंसर इसमें सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है। देखो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसमें निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है महिलाओं की, तो दोस्तों 306, 304B, 498A। तो दोस्तों सही आंसर है 498A धारा है, वो निर्ममता और दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न से होने वाली मृत्यु से संबंधित है। देखो 498A और दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित, पर अगर उसमें मृत्यु हो जाती है तो कौन सी संबंधित है, तो संबंधित है यहां पे 304B, धारा 304B है, ध्यान रख लीजिए। धारा 307 किसके लिए है, धारा 307 तो बलात्कार के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है। देखो उत्पीड़न से तंग आ जाती है महिलाएं और आत्महत्याओं को जैसे कदम उठा लेती है, प्रेरित करने वाली घटना है, उनसे निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है, और वो कौन सी धारा में है, वो है धारा में 306 में। धारा 306 ही बची थी क्योंकि आपको पता है धारा 307B किसके लिए है। ठीक है, तो ये है 12 वर्ष से कम वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, 306 इसमें ये हो जाएगा, 304-2 की जगह 304B में आपको पता है, 498A में पता है, तो इसमें बी आंसर अपना सही हो जाएगा 306। तो ये था अपना यार वीडियो, तो मैंने प्रयास किया है कि इसमें आपके लिए जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे में क्वेश्चन बना के लाऊं, इसमें से कुछ क्वेश्चन लंबे भी बन रहे हैं, कुछ छोटे भी बन रहे हैं। तो यार जो भी है आपका सबका प्रयास है, और आप कमेंट करते हो ना वो कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, तो यार कमेंट आप इसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। होता कुछ नहीं है, बस मोटिवेट मिलता है और मैं प्रयास करता रहता हूँ यार लो और क्वेश्चन लेके आऊँ टाइम पे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके, तो आप इसके बारे में भी बताना, कोई भी सुझाव हो तो मुझे बताना कि इस प्रकार का आप सर और कर सकते हो जिससे बेटर हो जाए। और देखो मॉडल पेपर में लेके आने वाला हूँ, मॉडल पेपर 10 लेके आने वाला हूँ, 11 लेके आने वाला हूँ, राजस्थान पुलिस का पूरा मॉडल पेपर रीजनिंग को छोड़कर, उसमें मैं ये क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से पार्ट सी के क्वेश्चन नहीं बनाने वाला, इनमें से ही बीच बीच में से कोई क्वेश्चन लूंगा, 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैंने ले लिए, अगले कोई वीडियो होगा तो 80 क्वेश्चन आ गए तब तक, तो उनमें से 10 क्वेश्चन लिए, इनमें से मैं लूंगा, तो वहां आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो यार आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को, साथ में अपने सभी दोस्त हैं उनके बीच में शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है वो दबा लिया करो, और अपने कमेंट के द्वारा कमेंट जरूर किया करो और बताया करो कैसा लगा आपको, क्या आपको और मुझसे एक्सेप्ट करते हो आप, क्या आप मुझसे चाहते हो पार्ट बी सी डी जो भी है उसमें लिख दिया करो बेधड़क। ठीक है, उसमें हम अमल करेंगे और उसको अमल में लाएंगे। थैंक यू, मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा।